उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा जमाया। इतना ही नहीं, वो अयोध्या में भी पहली बार कमल खिलाने में सफल रही। वहीं कांग्रेस ने अपना गढ़ रायबरेली को खो दिया, जहां से सोनिया गांधी मौजूदा सांसद हैं, जबकि सपा अपने गढ़ मैनपुरी से हार गई, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। बीजेपी की इस बम्पर जीत पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी और बीजेपी संगठन को जीत के लिए शुभकामनाएं दी, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। चलिए आपको अब इस चुनाव का पूरा गणित समझाते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी का परचम। अयोध्या में जिला पंचायत की लड़ाई बीजेपी और सपा दोनों के लिए वर्चस्व की जंग थी। शनिवार को हुए चुनाव में भाजपा को रोली सिंह ने पहली बार अयोध्या में कमल खिलवाया। इसके पहले कभी भी अयोध्या में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री आनंद सेन की पत्नी इंदु सेन अपना परंपरागत वोट भी नहीं सहेज सकी, जबकि कांग्रेस और बसपा ने वॉकओवर दे दिया। सपा के लिए बजी खतरे की घंटी। सपा ने गोरखपुर की 10 सीटों में 9 पर यादव प्रत्याशी उतारा, जबकि यूपी की कुल 75 सीटों पर करीब 3 दर्जन यादव कैंडिडेट उतारे, जिनमें से केवल 5 प्रत्याशी ही जीत सके। सपा का यादवों को छोड़कर कोई दूसरे समाज का प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत सका। इन नतीजों ने सपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि वो मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद जैसे अपने गढ़ों में भी हार गई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट मैनपुरी में भाजपा की अर्चना भदौरिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की। इस सीट पर सपा का करीब 30 सालों से राज था। सपा ने संभल, मुरादाबाद और रामपुर जैसे 3 अन्य जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों को भी खो दिया, जहां उसके मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ी। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी आरती सिंह इस बार भाजपा की रंजना चौधरी से हार गईं। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। अमेठी में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, तो मुकाबला सपा उम्मीदवार और भाजपा के राजेश अग्रहीर के बीच था, लेकिन सपा यहां भी भारी अंतर से हार गई। रायबरेली की हार से कांग्रेस को विशेष रूप से नुकसान होगा, क्योंकि उसके पूर्व नेताओं ने रायबरेली से पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व MLC दिनेश सिंह ने इस कोशिश का नेतृत्व किया। मोदी योगी के सर जीत कर सहरा बांधने के क्या है मायने? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को जीत का श्रेय देने से उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले यूपी के सियासी हलकों में तूफान मचा था। इस जीत की बधाई ने कहीं न कहीं सीएम योगी को एक बार फिर खुश होने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पार्टी ने अंदर ही हलचल पैदा कर दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.